नमस्कार दोस्तों, एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है उनका जो गांधराज प्लांट है जो किपचेस में, तो उसका पत्ता छोटे है, तो और क्या हो रहा है, उसका जो बाड़ आ रहा है, जो फ्लावर बाड़ आ रहा है वो सूख रहा है। देखिए, मैंने ऐसे ही एक प्लांट लाया है, देखिए फ्लावर बाड़ आया है लेकिन वो सूख गया। इसका पत्ता भी एक गंधराज प्लांट है लेकिन इसका पत्ता कितना छोटा हो गया, एकदम छोटा, देखिए कितना छोटा हो गया। तो पत्ता छोटा हो रहा है, बाढ़ सूख रहा है, उसके बाद इसका जो टीप्स है देखिए ये भी सूख रहा है, नया जो पत्ते का बाढ़ आ रहा है वो भी सूख रहा है। देखिए पत्ता का जो टीप्स है वो सूख रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए ये सूख जाएगा फिर झड़ जाएगा, देखिए ये भी ऐसे ही है, देखिए ये नया बाड़ है, फ्लावर बाड़ है लेकिन ये सूख रहा है और ऐसे ये गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ये क्यों हो रहा है? इसका देखिए ये कौन सा टॉप में है, 5 इंच टॉप में है, 5 इंच, ओनली 5 इंच टॉप में है। तो इसका जो मिट्टी है इनसे इसका जो खाद है, खाद ठीक से नहीं पड़ा है, सूख गया है, मिट्टी सूख गया है, एकदम सूख गया है। ज़्यादा पानी नहीं दे सकता क्योंकि पानी का, इतना बड़ा प्लांट तो पानी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं मिल रहा है इसको, इसका खाद ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ऐसा पत्ता छोटा हो रहा है। और इसका जो फ्लावर के लिए जो चाहिए, इसको जो फर्टिलाइजर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए बाढ़ भी सूख गया है। देखिए ये बाढ़ भी सूख गया, गिर जाएगा 2 4 दिन के अंदर, ये सूख जाएगा गिर जाएगा, ये भी बाढ़ आया है लेकिन ये भी सूख जाएगा गिर जाएगा। देखिए पत्ता का ये टिप्स है, पत्ता सूख रहा है, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, पहले इलाज इसका थोड़ा बड़ा पार्ट में ट्रांसप्लांट करना है। बड़ा पार्ट में ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले मिट्टी तैयार करना है, मैं दिखाऊंगा मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, लिया 4 मुट्ठी, बड़ा मुट्ठी ऐसे मिट्टी ले लिया, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया, 4 मुट्ठी मिट्टी और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया, इसमें डाल दिया और 1 मुट्ठी बोन मील ले लिया। बोन मील क्या करते हैं, ये आफ्टर 1 मंथ ये मिट्टी के साथ मिलते हैं और उसके बाद सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई करते करते जाता है। तो बोन मील तो बाद के लिए है, बाद में करते हैं, लेकिन इनिशियली जो वर्मी कंपोस्ट है ये 1 हफ्ते के अंदर इसका जो फूड सप्लाई करना शुरू कर देगा, मिट्टी के साथ मिल जाएगा और फूड सप्लाई करना शुरू कर देगा, लेकिन बोन मील 1 महीने बाद करेंगे फूड सप्लाई, किंतु लेकिन कंटिन्यूअस करते जाएगा। तो 1 मुट्ठी बोन मील दे दिया मैंने इसके साथ, देख लिया, देखिए उसमें बोन मील दे दिया। उसके साथ क्या करूँगा, ये चाय का चम्मच लूंगा एक। अभी ये इलाज कोई भी प्लांट हो इसमें कर सकते हैं, चाय का चम्मच एक लीजिए, उसके साथ उसमें 1 चम्मच सुपर फॉस्फेट लीजिए। देखिए 1 चम्मच सुपर फॉस्फेट ले लिया, डाल दिया इसमें, डाल दिया, और 1/2 चम्मच, 1 चम्मच सुपर फॉस्फेट देंगे तो 1/2 चम्मच ऐसे पोटास ले लेना, पोटास मिल रहा है आपका जो नियर बाई नर्सरी है, जो बगल का नर्सरी है उसमें ही पोटास और सुपर फॉस्फेट मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट में ये मिल जाएगा आपको, तो इसके साथ मिला लूंगा। एक बार नहीं, ये देना है, ये सुपर फॉस्फेट और पोटास का जो मिक्स है ये देना है वीकली वंस, 4 बार, तभी आपका जो ये बाढ़ सूख रहा है, गिर रहा है इसका, तो इसका इलाज हो जाएगा। पहले इलाज
आपका जो फूड टोटल प्लांट का जो फूड नहीं मिल रहा है इसके लिए हम दे दिया वर्मी कंपोस्ट और उसके बाद बोन मील, ये इसका फूड दे देगा। लेकिन सॉरी सॉरी, लेकिन ये बाट जो गिरा है, बाट के लिए क्या करना है, बाट के लिए हमें सुपर फॉस्फेट और पोटास देना है। तो ये जो सुपर फॉस्फेट और पोटास दे दिया, ये एक 1 वीक के लिए है। 1 वीक में इसका जो बाट सूख रहा है इसका इलाज हो जाएगा। अब इसको अच्छा से मिला लीजिए, अच्छा से मिला लीजिए, तैयार हो गया। बड़ा कोई ऐसे बड़ा वाला कोई मिट्टी का जम रहेगा तो उसको आप ऐसे डस्ट कर लेना। ओके, हो गया, मेरा मिट्टी तैयार हो गया। अब क्या करना है, एक ऐसे 8 इंची पॉट लीजिए, ऐसे हम ऐसे 8 इंची पॉट में हमारा छात में जो है सब लगाते हैं। अभी पहले इसे छोटा पॉट में लगाते थे, ऐसे छोटा पॉट में, लेकिन हम जो हमारा जो टेरस है, टेरस का जो गार्डन कर रहा है, तो इसके लिए ये पॉट हम ले रहे हैं और 1 इंची पॉट में डाल रहे हैं सबको। तो ले लिया, इसके नीचे आपने देखा है इसका नीचे हम क्या कैसे लगाते हैं, और कोई वीडियो जितना भी है उसमें देखिए, पहले वाला इसके लास्ट जो वीडियो दिया है हमने, जिसमें हम जो चंपा है, चंपा का, सोन चंपा का डाला, उसका मैंने दिखाया कैसे नीचे आप इसको जो होल्स है वो कवर कर सकते हैं। इसको अब जो चाय का भार आते हैं और कोई भी मिट्टी का भार आते हैं उसको टुकड़े टुकड़े करके उसके नीचे दे देना, वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मिट्टी है मिट्टी दे देना। ये जो मिट्टी दिया है ये नॉर्मल मिट्टी है, ये खाद वाला मिट्टी नहीं, एक नॉर्मल मिट्टी है। तो नॉर्मल मिट्टी नीचे दे दिया, नॉर्मल मिट्टी दिया क्यों, खाद तो ऊपर से आएगा, आहिस्ते आहिस्ते नीचे चला जाएगा खाद, नॉर्मल मिट्टी दिया। पहले क्या करेंगे, ये प्लांट को हम निकालेंगे, इसको लास्ट डे में पानी मत दीजिएगा, इसको हम कल पानी नहीं दिया, तो इसको क्या करेंगे, फूंक लेंगे इसे। देखिए नीचे से भी इसका रूट निकल रहा है, रूट बाउंड हो गया, तो खाना कम मिल रहा है इसलिए ये हो रहा है। देखिए ठीक है, आप इसको हम ठोक लेंगे ऐसे निकल आए। देखिए ये टोटली रूट बाउंड हो गया, देखिए टोटली रूट बाउंड हो गया, तो खाना कैसे मिलेगा इसको, ये तो इसका जो रूट्स है बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसको हम ऐसे बैठेंगे, जस्ट ऐसे थोड़ा ऊपर करके बैठेंगे, थोड़ा कुटमा मिट्टी और मिट्टी लगेगा, और ऊपर उठाना है, ये ऐसे इक्वली हो गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा टाइट करके लगना, इसके साइड में हम ऐसे भरना है, ऐसे भर देना है।
साइड में इसे या मिट्टी जो लिया ऐसे भर दूंगा। अब जो मिट्टी लिया है उसको थोड़ा कम पड़ जाए तो ऐसे ऊपर में थोड़ा सा नॉर्मल मिट्टी डाल देना, उसका कोई बात नहीं। थोड़ा सा नॉर्मल मिट्टी इसके ऊपर डाल देना, ये इक्वल हो गया अराउंड हाफ इंच। इसमें एक ठोक लेना, इसमें से क्या होगा एयर पॉकेट रहेगा तो निकल जाएगा, तो निकल जाएगा, हो गया। अब हो गया इसका। अब पानी दे देना, बहुत सारे पानी दे देना। इतना पानी देना नीचे से निकल जाएगा, पानी तो मुझे क्या करना है, पानी लेना है ऐसे ऐसे तो ज्यादा की ज्यादा वो सूख कर लेंगे। लेकिन मैं ज्यादा पानी नहीं दे सकता क्योंकि नीचे से निकलेगा तो टेबल के नीचे बहुत सामान है उसमें चला जाएगा, तो खराब हो जाएगा। पूरा एक माउथ दे दिया, एक माउथ दे दिया, हो गया। फिर कल इसका काम देखिए। अब एक टोटली ट्रांसफर करेगा, इसके बाद क्या करूंगा मैं, एक हफ्ते के बाद शायद आज संडे है तो नेक्स्ट संडे में, हर संडे में इसको हम एक मुट्ठी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और सुपर फॉस्फेट एक चम्मच, चाय का चम्मच का एक चम्मच और हाफ चम्मच पोटास, ये चार हफ्ता दे जाऊंगा। चार हफ्ते के बाद ये बंद कर दूंगा, ये टोटली ठीक हो जाएगा। तो मैं अपडेट दे दूंगा आपको चार हफ्ते के बाद इसको क्या हुआ, इसको फ्लावर है क्या नहीं है, दे दूंगा आपको अपडेट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए औरों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।